इनका रिव्यू कैसा होता है पकौड़ी के बारे में, कैसी है पकौड़ी? बहुत तो पकौड़ी कैसी है? मस्त बढ़िया है मस्त मैं, एकदम एकदम पकौड़ी सही है, बिल्कुल मसाले वगैरह ठीक है, नहीं मिर्ची ज्यादा मिर्ची ज्यादा है। मिर्ची देखो गाइस, यहाँ पे हमारी पकौड़ी आ गई है और ये आ गई खीर, और सारे बैठ चुके हैं इधर भाई, और इधर ये भाई ना के आया तो नहीं दिखा सकती भाई ज्यादा को। मुझे यहाँ पे खीर खिला रहा है, और सारे दे दो कम्मी लो। ले ले ले। यहाँ पे आ गए बेसन के लड्डू, और ये है खाने का है। आज है राम राम, और राम राम के दिन गोवर्धन पूजा होती है, तो मम्मी ने हमारे उठने से पहले ही पूजा कर ली थी, और पूजा का सामान भी देखो हट गया है, गायब हो गया, सारे डोगी ले गए, पता नहीं कौन ले गया था। और मैं बना रही हूँ अभी रंगोली। रंगोली मैंने इससे पहले कभी नहीं बनाई, पिछले साल ग्वालियर बनाई थी अंकल की बेटी के साथ, थोड़ी सी हेल्प करी थी, तो जैसी भी बनी ये मेरे से मैंने 100% दिया अपना, और खूब अच्छी सी अच्छी बनी थी, लेकिन फर्स्ट बार में ही। तो फिर भाभी ने आके हेल्प कराई, थोड़ी बहुत जो कमी थी उसने पूरी करी, और यहाँ पे मम्मी पकौड़ी बना रही है। भैया भाभी यहाँ नहीं रहते, तो ये दूसरी जगह रहते, तो वहां से आए हैं राम राम के दिन, और सभी अभी बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे नाश्ता चल रहा है सभी का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, दिवाली तो कल खत्म हो गई थी, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा भी कल्चर है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन जब पूजा होती है सुबह, उसी दिन होता है राजस्थान में राम राम, मतलब सब जगह राम राम करने जाते हैं, पूरे जब फैमिली वाले मिलते हैं उस दिन, मतलब खूब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान में। ऐसी ये दिन दिवाली से भी ज्यादा ही इसको इसका वेट करते हैं राम राम का, कि सब घर पे जाते हैं, सबके घर पे। तो हमारे घर पे भी अभी राम राम करने आएंगे, आए थे, सब आए थे, मैं भी जाऊंगी, सबको सबका आशीर्वाद लूंगी, सबसे राम राम करने जाऊंगी। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, हमारे सिया माता का है, तो पूरे फैमिली वाले जा रहे हैं, पूरे 3 दिन चारों गाड़ी लेके, तो यार खूब मजा आने वाला है। आज तो काफी दिनों बाद सब फैमिली वाले साथ में जा रहे हैं। तो और दिखा देती हूँ गाइस, मैंने रंगोली बनाई थी वो, उसका देखो क्या हाल किया है। इसमें मैंने ये पिंजरा रख रखा है, क्योंकि यार मेरी रंगोली थी दो दो तीन बार बिगड़ चुकी थी, किसी ने पेड़ रख दिया, किसी ने कैसा कलर कर दिया, उसका बुरा बिखेर दिया था कलरों को, रंगों को, देखो कैसा मेरे रंगोली को कैसा किया है। तो मैंने इसको कवर कर दिया इस पिंजरे से, ताकि मैं शाम को वीडियो बना पाऊं अच्छे से, इसलिए यार ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, देखो रंगोली पे यार। तो अब रवाना हो गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और एक गाड़ी में मम्मी, बड़ी मम्मी, भाभी सबको बैठा दिया, उनके साथ ही निशा को बैठा दिया है, और यहाँ पे अभी दो गाड़ियां और खड़ी है जिनमें हम सब बैठने वाले हैं। तो यार भाई ने दे दिया हमें बीच में ही, तो कहीं चला गया वो हमें बोल के, अब दो गाड़ियां ही कोई ले जाना पड़ेगा। इसमें देखते हैं हम कौन कौन है, अब पीछे डिग्गी में भी सारे को बिठा दिया, सबको खड़ा कर दिया है। तो गाड़ी देखो इतने सारे एक गाड़ी में आए हैं, इतने लोग गिनती नहीं हो रही इनकी, इतने इतने लोग आए हैं, और आगे भी दिखा देती हूँ मैं आपको, इतने हैं रहे। देखो एक गाड़ी में ये सब आए, इतने और पीछे रह गए, एक गाड़ी और है घर पे, तो वो भी आने वाले हैं सभी। ये देखो हमारी फैमिली इतनी बड़ी, लेके आ गए प्रसाद गाइस। माता रानी के मंदिर में पापा में छोटी थी तब आए थे, तो अब आना हुआ है पापा का, माता रानी का हुक्म होता है तभी आना होता है सभी का। और यहाँ भाई को मिला है एक गिफ्ट, देखो दिखाती हूँ मैं, नारियल में एक छोटा नारियल मिला है, तो मतलब भाभी के एक बेबी होने वाला है। तो फिर चले गए थे सब दर्शन करने के लिए, और बारी बारी सबने अच्छे से दर्शन कर लिए। यार ये देखे मैं तो बहुत खुश हूँ यार, सब फैमिली वाले आए हैं साथ में। तो ये रही है हमारी माता रानी, और ये है माता रानी का औरन। तो यहाँ की मैं एक बात बता देती हूँ अपने बचपन की, जब हम सब छोटे थे, मतलब हमारे फैमिली में जो भी मतलब चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, भाई बहन थे हम छोटे, तो सब यहाँ पे क्या होता था ना, गाँव में बकरियां चराने आते थे सभी, तो हमारे खेत के पास में ही है, तो ये गढ़ से होके पूरा हम यहाँ ओरन में आ जाते थे बेर खाने के लिए। देखो ये झाड़ी है, इस पे हमने काफी बेर खाए हुए हैं हमारे,
और बकरियां चराने आते थे हम सब छोटे थे, तो मुझे ये बात याद आई, तो यार मैंने अपनी बात बता दी, आपको शेयर कर दी। बचपन में हम सब ने यहाँ पे खूब इंजॉय किया हुआ है और बंक भी मारे हुए हैं, तो यहाँ सब फैमिली वाले बैठ गए हैं, आराम से बातें करने लग गए हैं। और यहाँ क्या होता है, हम जब भी माता रानी के दर्शन करने आते हैं तो यहाँ पे आंखें लिए जाते हैं, तो एक जब भी आंखा अधिक आता है उनको सुहाया बोला जाता है, और मम्मी ने मेरे लिए लिए हैं और पापा ने भी लिए हैं, भाई ने सब ने लिए, तो मेरे लिए लिए जो भी सुवाए आए थे कृष्ण जी ने लिए, तो यानी माता रानी का कुछ संकेत मिल रहा था मुझे। यहाँ पे मिल गया है हमें एक प्यारा सा डोगी जो कि हमारे बीच घूम रहा था, तो ये डोगी भाभी को चाहिए था, भाभी लेके जाने वाली थी लेकिन यार भाई ने मना कर दिया। भाई की गाड़ी फर्स्ट बार मंदिर में आई है तो भाई तिलक करवा रहा है, और हमारी गाड़ी भी फर्स्ट बार ही आई थी तो भाभी ने तिलक करा, क्योंकि भाभी कृष्णा जी की बहन लगती है ननिहाल की तरफ से, तो इन्होंने गाड़ी टीकी। आप लोग सोचोगे तो ये तो पता नहीं कितनी बार गाड़ियों को टीकते हैं, लेकिन यार ऐसा नहीं है, हमारे जो यहाँ जैसा होता है वैसा ही मैं आपको दिखा दी हूँ। और अब निकल चुके हैं हमारी तीनों गाड़ियों को लेके घर के लिए, क्योंकि भाई भी आ गया था पीछे से, और वहां से सीधा हम आ गए थे खेत में मेरे भाई और बड़े पापा के घर पे। यहाँ पे एक पौधा है छुईमू के नाम से, तो जो भी जिसने पाप किए वो उसको छूता है तो वो अपने आप नीचे गिर जाता है, तो मैंने जिसको भी छुआ यार वो नीचे गिर रहा था, तो मैंने कितने पाप किए मेरे जीवन में देख लो अभी। फिर आ गए थे भाभी के घर पे, खूब बातें करके फिर नीचे चले गए थे और सबने जवारी दी। जब भी कृष्णा जी को जवारी मिलती है तो मैं छीनने के लिए उनसे रेडी रहती हूँ, लेकिन यार वो मुझे बिल्कुल छीनने नहीं देते, वो लेके भाग जाते हैं। तो गाइस हमें मिल गया है सरप्राइज, ये देखो इधर इसने सरप्राइज दिया, बहुत बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ, मुझे नहीं बताया कि हम आ रहे हैं, लेकिन थैंक यू इतना बड़ा सरप्राइज देने के लिए। सब आए हैं आज मिलने के लिए, ये कब से बोल रही थी मिलने आओ तो मिलने आ गए। अनु को दिखाओ, अनु को अरे नींद आ रखी अनु को, तो ये करो पापा। अब आ गए मस्ती करने का टाइम, खूब मस्ती करेंगे सारे मिलके। ये मेरे बड़े वाले मामी साहब और मेरी बड़ी वाली मम्मी, और ये मेरी सबसे मोटी वाली बहन, ये मेरी सहेली, ये मेरी एक छोटी सी फ्रेंड। गाइस ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, बड़ी सिस्टर या बुआ की बेटी कुछ भी बोल सकते हो, ये भी एक यूट्यूबर है मेरी तरह छोटी मोटी, तो बड़ी तो नहीं बोल सकते, बड़े तो हम आप लोगों के सपोर्ट से ही बन पाएंगे, क्योंकि यार हमारे सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं ना ही इसके बढ़ रहे हैं, इसने भी मेरे साथ ही चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन यार दोनों के ही सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं पे अटके हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इसका चैनल का नाम मैं बता देती हूँ, सीमा बाटी के नाम से है, तो जल्दी यार सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ दोनों चैनल को, मेरे चैनल को भी खूब सपोर्ट करो। इसके चैनल का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट जरूर करना। और यहाँ पे हमारी मस्ती चल रही थी कि कौन किसको उठा पाता है या नहीं, तो मेरे से तो नहीं उठ पाई मेरी सिस्टर, लेकिन मेरी सिस्टर ने मुझे उठा लिया। यहाँ पे मामी भांजी का प्यार चल रहा है, तो भांजी मिल रही है छोटी मामी सा से अब कितनी देर बाद में, फिर कृष्णा जी से मिलने आई तो कृष्णा जी ने भी आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये छोटे हैं और ये है बड़ी साली। कृष्णा जी बोल रहे हैं कि मुझे आशीर्वाद दो या ना दो, लेकिन मेरी वाइफ को जल्दी सक्सेस पाने का आशीर्वाद जरूर दो। और अब मिल रहा है हमें मम्मी पापा से आशीर्वाद, क्योंकि हमने कल तो ले लिया था आशीर्वाद, लेकिन आज राम राम है तो आज सुबह से ही हम आशीर्वाद नहीं ले पाए, तो फिर मैंने वापस से ड्रेस पहनी और रील्स भी बनाई और आशीर्वाद भी लिया, और भाई ने भी आशीर्वाद लिया, और ये है हमारी फैमिली, बस इसमें कृष्णा जी नहीं आई, वो पीछे रह गए। फिर मैं वीडियो एडिट करके चली गई थी बातें करने के लिए अपने बड़े पापा के घर पे, सारे बैठे थे तो बातें तो करी, साथ में अनु से भी मिल ली, क्योंकि अनु जब आई थी तब सो रखी थी, और मेरे साथ देखो कैसे गुल मिल गई है, और नानी सा को उठते देख के देखो कैसे चिपक गई है, रोने लग गई। फिर सुबह होते ही मैंने वापस अनु को खिलाया, क्योंकि छोटी बकरी थी उसको भी गोद में ले रखा था और अनु को भी, तो उसको बोल रही थी कि इसको प्यार करो, देखो कैसे प्यार करते हैं, तो इसको पकड़ के खींच रही थी बेचारे को, ये फिर बार बार चिल्लाए जा रहा था और ये उसके खेलने में बिजी थी उसके साथ में। तो आज हो गया वापस गांव जाने का, यानी मेरे ससुराल जाने का टाइम, तो कृष्णा जी के पीछे भाग रही है मेरी भाभी हलवा लेके, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं खा सकता मुझे खांसी आती है, और भाभी बोल रही है मैं खिला के ही मानूंगी। तो गाइस यहाँ पे हो गया था कुछ मिस्टेक, क्योंकि मम्मी पापा ने बोल दिया कि तुझे नहीं जाने देंगे, सब ने रोक लिया, तो कृष्णा जी को अकेले को ही जाना पड़ा, और उनको मुझे मिल गया था मेरे घर पे रहने का मौका,
तो मैं अपने आप को दिखाई नहीं पाई, रेडी होके बैठी थी, लेकिन मैंने चेंज वेंज करके और दोनों ने छत पे आके खूब सारी रील्स बनाए जल्दी जल्दी में फटाफट से, क्योंकि इनको निकलना था घर के लिए। फिर अब हम खा रहे हैं साथ में कितने कितने दिनों के बाद खाना, खाना खा के अब आया इनको विदा करने का टाइम। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने अपनी भांजी को सीख दी, फिर अपनी ननद यानी मेरी बुआ को भी सीख दी, और ये जो है मेरी भाभी है। तो यहाँ पे तो मेरा भी फायदा हो गया इनके साथ साथ, मुझे भी ड्रेस मिल गई। तो बुआ और सीमा दोनों मेरे लिए ड्रेस लेके आए थे। तो अब आ गया घर खाली होने का टाइम। तो ये देखो सब एक एक करके भाई बोले जा रहे हैं और चुपके चुपके से एक एक करके खिसक रहे हैं। पहले कृष्णा जी चले गए, फिर ये, और अब भैया भाभी जी चले जाएंगे। तो यार घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, सोना सोना लगने लगेगा बिल्कुल। है मेरी काकी गाइस, देखो मैं आई हूँ काकी के घर पे राम राम करने के लिए। दूसरे दिन राम राम तो कल था, लेकिन कल टाइम नहीं मिला, तो आज आई हूँ सबके घर पे राम राम करके जाऊंगी। हाँ सब जगह मिलके आ गई और सबसे राम राम भी कर लिए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।